चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, हेडलाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है नेट प्रॉफिट को, ठीक है, इसका नाम अकाउंट का रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्वेश्चन में ए बी एंड सी हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 60,000, 30,000 एंड 12,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन विच दे आर एंटाइटल, ठीक है, टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 34,000। यही चीज को आपको समझना है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में जो बनाए वहां पर देखे थे क्या था, आफ्टर प्रॉफिट था, क्या था जी, आफ्टर प्रॉफिट था, मतलब सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब सबको प्रॉफिट में बंटवारा करने के बाद, सबको पैसा देने के बाद का प्रॉफिट बचा हुआ था, तभी लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन यहाँ पर वो प्रॉफिट नहीं है, बिफोर प्रॉफिट, ये क्या है, बिफोर प्रॉफिट। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू 34,000, मतलब कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देने का पहले का प्रॉफिट है, ये दिमाग में ऐड रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट यहाँ पर आर्यन वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 34,000, मतलब कि जो 34,000 जो प्रॉफिट है वो कैपिटल पर इंटरेस्ट देने का पहले का प्रॉफिट है, मतलब कि पार्टनरों को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, मतलब उस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो डायरेक्ट खाली बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनरों में नहीं हुआ। और अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम पीछे वाला बनाए उसमें क्या था कि आफ्टर प्रॉफिट था, मतलब कि पार्टनरों का जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट पार्टनरों को प्रॉफिट देने के बाद का प्रॉफिट, मतलब पार्टनरों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का बाद का प्रॉफिट था, मतलब किसी को सैलरी दे दिया गया, कमीशन दे दिया गया, कैपिटल का इंटरेस्ट दे दिया गया, कोई ड्रॉइंग कर लिया, तो ये सब करने का बाद का प्रॉफिट था। लेकिन ये वो प्रॉफिट है कि बंटवारा नहीं किया गया है, ये बंटवारा नहीं किया गया, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालने का पहले का प्रॉफिट, तभी निकालना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, तब जो बचेगा प्रॉफिट तब ना फिर लास्ट में बंटवारा करेगा पार्टनर लोग। चलिए और आगे क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन। और आगे देखिए लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो बचेगा उसका प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करना है, 6, 3 और 1 में करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार होता है और आखिर इसमें करेंगे क्या, तो बस यही करना है कि जो प्रॉफिट कंपनी का रहेगा बिफोर प्रॉफिट उस प्रॉफिट को पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि यहां पर इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखना है, आपको बताया था फॉर्मेट में बिफोर प्रॉफिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिफोर प्रॉफिट कितना है, 34,000 है ना। अब इधर क्या करना है, पार्टनरों में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो देखिए मतलब कैपिटल लगाया है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 5% पर ईयर। क्या क्या नाम है, ए बी सी, तीन पार्टनर है ना, ए बी और क्या है, तो बताओ कैपिटल कितना है, ए का 60,000, बी का 30,000, सी का 12, बताइए 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो अरे 6 बचे 3,000, इसका 5 दिया 1,500,
12,000 का बारह बजे सात यानी 600 होगा, जोड़े 3,000 4,000 और 5,000 100। अब बताइए 34,000 में 5,100 घटा देंगे तो उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, आफ्टर प्रॉफिट कि मतलब, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट, नहीं क्या बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट ना हुआ प्रॉफिट में इसको एडजस्टमेंट कर दिए। चलिए और कुछ है क्या घटाने का, कि किसी को सैलरी मिल रहा है क्या, कोई ड्रॉइंग कर रहा है क्या, कोई लोन दिया है क्या, ये सब है कोई, कुछ नहीं है था, खाली बस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला। चलिए दिख रहा है था? नहीं दिख रहा है ना? चौतीस हजार हो गया जी, ये 34,000 यहाँ पे हो जाएगा 34,000। अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्या रियन यही ना प्रॉफिट जो बंटवारा होता है ना, जो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, जो जो बंटवारा हुआ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिला 3,000, बी को कितना मिला 1,500, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो बोलेंगे ए का हिस्सा कितना होगा, भी तुरंत बता दोगे ए लगाया है 60,000 और हिस्सा कितना हुआ है 3,000, तो कितना हो गया 63,000। अच्छा उतना ही होगा क्या, नहीं अभी प्रॉफिट पर और बंटवारा होगा कि नहीं, कितना होगा बताइए, 5,100 को 34,000 में घटा देंगे तो 34,000 में 5,100 को घटा देंगे तो 10 में 1 तो 9 और 13 में 5 तो 8 और 5 13 यानी 28, कितना बचेगा जी 28,900। जो अभी बात बोलने वाले बात को कान खोल कर बढ़िया से सुन लेना ठीक है, क्योंकि यही चीज वहां पे कंफ्यूजन होता है ठीक है, यही भी आगे आपको प्रॉब्लम करेगा। मेन चीज आपको क्या बोले कि जो कैपिटल अकाउंट मेन नहीं है, मेन कौन है ये, अभी तो सिंपल है कि ये कौन सा प्रॉफिट है आपको यहाँ पर चाहिए, बिफोर प्रॉफिट चाहिए, कहाँ चाहिए बिफोर, मतलब ये सब प्रॉफिट को बंटवारा करने का पहले का प्रॉफिट ठीक है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने का पहले का प्रॉफिट कितना 34,000, और क्वेश्चन नंबर जो भी 3 बनाए थे उसमें क्या था कि सैलरी था, कमीशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वहां पे लिखा हुआ था कि ये सब करने के बाद का प्रॉफिट, देखिए ना वहां पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनो हिंदी में पढ़ रहे हैं, और लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटना है और वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात, बोला सभी एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट कितना है 30,000 है, साफ साफ लिखा हुआ इंग्लिश में भी, देखो वही बात को बोला है, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर द अर्न्ड प्रॉफिट 30,000 आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप ड्यू, मतलब अप्रोप्रिएशन मतलब सभी अप्रोप्रिएशन या मतलब सभी को बंटवारा करने का बाद का प्रॉफिट कितना बचा हुआ था 30,000, तो उसी तरह इसको भी 28,900 किस तरह बोल सकते हैं कि सभी एडजस्टमेंट करने का बाद का प्रॉफिट कितना बचा हुआ 28,900 बचा हुआ ठीक है, और एडजस्टमेंट नहीं करने का पहले का प्रॉफिट कितना है 34,000, समझ में आया ठीक है। तो जब आपको पहले का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो आपको सभी सब काम करना है, बंटवारा करना है, निकालना पड़ेगा ठीक है, पीएल प्रोफेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ठीक है। चलिए अब 28,900 बचा, अब तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिल रहा और कहीं बंटवारा तो नहीं होगा, अब डायरेक्ट लास्ट क्या बचेगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और रेशियो क्या है 6 है 3 है और 1, इस रेशियो पर यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं तीनों का थोड़ा सा इसकी जगह और ठीक है। ए है बी है और सी है, रेशियो 6, 3 और 1, ए का कितना है कैपिटल लगा हुआ 60,000, अच्छा ये हम क्या करें कैपिटल से क्या मतलब है, बंटवारा करना है ना प्रॉफिट का, तो कितना 28,900
900, एक प्रॉफिट का बंटवारा नहीं, लिख दिया प्रॉफिट है 28,900, 6 × 6 = 9 = 10, कितना होगा 10 यहाँ पे हो गया और गुना कर दो 0 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, हाथ में 5, 8 × 6 = 48 है ना, 8 × 6 = 48, 48 और 5 तिरपन, तिरपन का 3 हाथ में 5, 6 × 12 = 17,340, ठीक है। अगला कर 28,900 3/10 कट गया, गुना करिए 0, 9 × 27 = 7 हाथ में 2, 8 × 3 = 24, 25 × 6 = 6 हाथ में 2, 3 × 6 = 7 और 8, इसका करिए 28,900 1/10 कट गया 28,90, ठीक है देख लीजिए, ठीक है ना, मिलाकर देख लीजिए बंटवारा ठीक हुआ है कि नहीं, बटा हो जाएगा गड़बड़, ऐसा में तो कौन दिया होना चाहिए, वही ला देना होना चाहिए, 17,340 है देख लीजिए, 17,340 ठीक है। यहाँ पर तीनों का यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपका जगह है ए बी और सी, तीनों का यहाँ पे लिखना है कितना, ए का बोलिए 17,340, बी का 8,670 और सी का 2,890 है ना, यही तो 28,900 बचा था ना, इसी को बंटवारा किए, इसको जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 28,900 आना चाहिए, ठीक है। यह आपका क्या बन गया, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कौन सा मेथड मान के चलिए, फिक्स मेथड, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो बताइए वहां पे पता करना पड़ेगा ना कि ए का हिस्सा कितना होगा, वही ना आपको पता होता है कैपिटल अकाउंट में कि ए का टोटल हिस्सा कितना हुआ, बी का टोटल हिस्सा कितना हुआ और सी का टोटल कितना हिस्सा हुआ। तभी हम डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं बताओ ए का कितना हिस्सा हुआ, चलो बताओ ए का टोटल हिस्सा कितना होगा, टोटल कैपिटल अकाउंट बना रहे हो मान के चलो, तो ए का टोटल कितना हिस्सा होगा, 17,340 तो खाली यहाँ प्रॉफिट में होगा, टोटल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ जोड़ेंगे ना कि पहले तो इसका कैपिटल कितना आ गया 60,000, 60,000 ये हो गया, अच्छा इंटरेस्ट मिला ये भी ऐड होता है कि नहीं क्रेडिट में, क्रेडिट में जाकर ऐड होगा ना, अभी जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इधर लिखता है बैलेंस बीडी, पहले लिखता है क्या मान के चलो ए का खाली बना रहे, सिंगल ए का बना रहे, ए का सिंगल बना रहे, सब पहले कैपिटल कितना आ गया वो 60,000 हो गया, फिर इसको इंटरेस्ट मिला, ये भी जुटेगा ना पैसा, टोटल में ऐड हो रहा है 3,000 हो गया, फिर क्या और मिला, फिर ये वाला हिस्सा मिला जी लास्ट में 17,340, 17,340 अब ऐड कर दो भाई कितना होगा, 340 दिख रहा है, 340 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं यहाँ पे दिख रहा है, चल यहाँ ऐड करते हैं तीनों का कितना होगा, 3×40 + 3 × 7 = 10 हाथ में 1, 6 × 7 = 8 कि जोड़े है ना, 3×40 ठीक है, 7 × 3 = 10 × 0, 6 × 7 = 8, 80,340 टोटल आएगा ना, कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो, अच्छा ड्राइंग कर भी नहीं किया, ड्राइंग करता तो घटता कुछ, ड्राइंग किया है क्या, नहीं किया है तो घटता है ना डेबिट साइड में जाकर, अच्छा बी का बताओ तो, अब तो जान गया, चलो बी का बताओ कितना होगा, बी का देखो यहीं पर एड कर दे, बी का कैपिटल कितना लगाया जी, 30,000 लगाया, क्रेडिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट कितना मिला 1,500, फिर ये प्रॉफिट में कितना बंटवारा हुआ लास्ट में 8,670, ये पहले बंटवारा हो गया सिस्टम से, जो काम करता उसको सैलरी भी मिल जाता, और लास्ट में जब पैसा बचेगा तब ही लोग तीनों बंटवारा करते हैं, है ना, ये नहीं कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ और तीनों ऐसे बंटवारा कर रहे हैं, भैया कोई काम किया है कोई पैसा लगाया है वो सब पहले दे लोगे ना अपने पार्टनर में, जैसे कैसे किया कि प्रॉफिट कैसे आया होगा,
बिजनेस का खर्च को माइनस किए होंगे ना, तभी प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हो गया कि बाकी सब खर्चा घटाने के बाद, सारा कॉस्ट घटाने के बाद ही प्रॉफिट आया। तो वो प्रॉफिट को डायरेक्ट कैसे बंटवारा करोगे? अपने पार्टनर में भी तो कोई कोई काम कुछ किया है, उस पर भी घटा लो, तब एग्जिट को बंटवारा करना है। अच्छा, जोड़े आपको कितना आता है? 70 6 5 11 का एक हाथ में 1 8 9 1 10 का 0 हाथ में 3 8 4 40,170 रुपया हो गया। किसका? बी का। सी का पता करना चाहेंगे तो सी कितना कैपिटल लगाया है? 12,000 रुपया लगाया, तो 12,000 रुपया ये वाला आ गया। और इंटरेस्ट कितना मिला इसको? 600 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। और फिर लास्ट प्रॉफिट में कितना बचा इसका हिस्सा? 2,890 रुपया। जोड़िए कितना हुआ? 0 9 8 6 14 4 हाथ में 2 8 2 4 1 5 यानी 15,490 रुपया। ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही हिस्सा होगा। बैलेंस उधर ऐड करेंगे और सीडी करेंगे तो सीडी में भी, सीडी में ही चीज निकल आएगा, क्योंकि ड्राइंग तो आई नहीं घटेगा आपको, तो आपको कैपिटल अकाउंट में बनाना है। ठीक है, इसका कैपिटल अकाउंट बना लेना। ठीक है, बनाने नहीं बोला लेकिन बना लेना। ठीक है, समझ में आया अभियान? तो पहले आपको बनाना है पीएल ऑपरेशन अकाउंट, जहाँ पर बिफोर प्रॉफिट का आपको काम है। क्या काम है? बिफोर प्रॉफिट का काम है। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट बोला जाएगा? आफ्टर प्रॉफिट बोल सकते हो या एडजस्टमेंट प्रॉफिट बोल सकते हो। एडजस्टमेंट का मतलब ये सब काम करने के बाद, एडजस्टमेंट नहीं ना हुआ जी, ये प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है ना। ठीक है, या फिर कैसे क्वेश्चन में बोल देगा पता है? ऐसे बोलेगा, अभी जैसे कैसे बोला था कि इंटरेस्ट को घटाने के, इंटरेस्ट को घटाने का पहले का प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट को घटाया नहीं है, इंटरेस्ट को घटाने का पहले का प्रॉफिट कितना है? 34,000 तक घटा के आया था ना, ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहा, कहीं क्या बोल देगा कि इंटरेस्ट को घटाने का बाद का प्रॉफिट, इंटरेस्ट को घटाने का बाद का प्रॉफिट। तो बताओ इंटरेस्ट को घटाओगे फिर क्या? नहीं घटाना नहीं है। तो और कुछ दिया रहेगा, सैलरी दिया रहेगा, कमीशन, तो खाली उसको घटाएंगे? यही दिमाग का गेम यहाँ करना पड़ेगा, दिमाग जो है यही घुमा फिराएगा। अभी बोल दिया इंटरेस्ट को घटाने का पहले, तो ये लिख दिए इंटरेस्ट को घटाए तब प्रॉफिट हुआ, और कहीं बोल देगा इंटरेस्ट घटाने का बाद, तो बाद वाला तो इंटरेस्ट को छोड़ देना पड़ेगा और सैलरी कमीशन दिया जाएगा, खाली उसको घटाना पड़ेगा। ऐसे समझ में? तो यही काम है, यही बस सोच समझ खाली काम करते रहना, बाकी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 4 क्वेश्चन नंबर आज ही। ठीक है।